नमस्कार, मैं हूँ मंगल। वेलकम टू मंगल की रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं एकदम टेस्टी क्रिस्पी कोथिंबीर वड़ी, और बहुत इजी है और फटाफट बनती है और खाने में बहुत सबको पसंद आती है। आइए बनाते हैं हम कोथिंबीर वड़ी। और इसके पहले, लेकिन आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के बाजू में बेल का बटन है, अगर उसे क्लिक करेंगे आप तो ही मेरी रेसिपी आप तक पहुँच पाएगी, तो उसे ज़रूर क्लिक कीजिए और यही सपोर्ट करते रहिए। तो आइए बनाते हैं कोथिंबीर वड़ी। और कोथिंबीर वड़ी के लिए चाहिए हमें धनिया, जो हमने साफ़ कर लिया, पत्ते निकाल लिए, फिर उसे धो अच्छे से धो लिया दो तीन बार पानी में, और इसे कट कर लिया हमने। एक कप धनिया है तो हमने दो कप, डेढ़ कप बेसन लिया है, एक टेबल स्पून चावल का आटा, थोड़ा सा ऑयल, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, एक टीस्पून जीरा पाउडर, एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। आइए हम पहले डो बनाते हैं। एक बड़ा बॉल लेंगे, इसमें डालेंगे हम कटा हुआ धनिया, इसमें डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। इन्हें पहले अच्छे से मिला लेंगे। इसमें डालेंगे हम चावल का आटा और बेसन, सबको अच्छे से मिलाना है हमें। पहले ऐसे ही हम इसे मिक्स कर लेंगे, पानी की ज़रूरत होगी तो ही हम पानी डालेंगे, हाथ से करना है अभी हमें। इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और इसका हो गया हमारा इसका डो बना के। अब इसमें हम एक चम्मच ऑयल डालेंगे, अच्छे से हमारा डो बन चुका है। अब हम इसे हम चलनी में लगाएंगे, इसे थोड़ा सा ऑयल चलनी पे भी डालेंगे, इसे इसी तरह से हम लगाएंगे। जितना पतली चाहिए हमें बड़ी, जितनी मोटी चाहिए उस तरह से इसे हमने अच्छे से लगा लिया है। हमें जितनी पतली चाहिए, जितनी मोटी चाहिए हम बड़ी, उस तरह से लगाएंगे और इसे हम स्टीमर में रख देंगे स्टीम करने के लिए। मैं इसे स्टीम करने के लिए एक पतीले में रखने वाली हूँ। पतीले में पानी रखा है मैंने, पानी को अच्छे से उबाल आया है, बॉयल हो चुका है ये, और ये चलने हम इस पतीले पे रखेंगे और इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे। 20 मिनट के लिए हम इसे स्टीम कर लेंगे और बाद में इसे ठंडा होने के बाद कट करने वाले हैं हम। 20 मिनट होने के बाद हमने गैस ऑफ कर लिया था,
अब देखते हैं, इसमें नाइफ डालेंगे। नाइफ एकदम क्लियर आया है बाहर, यानी ये अच्छे से पक चुका है। अब इसे हम कट कर लेंगे। हम इसे कट कर लेते हैं, जैसे भी हमें छोटे बड़े जिस टाइप की बड़ी चाहिए। हम इसे कट कर लेते हैं इसी तरह से। हमने कट कर लिया है और ये तैयार है हमारी कोथिमीर वड़ी। और इसे हम अब फ्राई कर लेंगे। हमने तेल गरम करने के लिए रखा था, गरम हो चुका है। इसमें डालेंगे हम ये कोथिमीर वड़ी। एक बार में जितनी आती है उतनी डालेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करने हमें, क्योंकि ऑलरेडी ये पक चुकी है। थोड़ी क्रिस्पीनेस आने के लिए हमने फ्राई करनी है। हो चुके हैं हमारी कोथिंबीर वड़ी। इसे निकाल लेंगे हम टिश्यू पेपर पर। तैयार है हमारी वड़ी, गरम गरम खाएंगे हम चटनी के साथ। तैयार है हमारी कोथिंबीर वड़ी, एकदम आसान, क्रिस्पी, बहुत टेस्टी। ज़रूर बनाइए और आपके अनुभव ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए। और यूँ ही सपोर्ट करते रहिए। और आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब बटन के बाजू में बेल का बटन है, उसे क्लिक करेंगे तो अब तक मेरी रेसिपी पहुँच पाएगी। और अगर आपने पहले सब्सक्राइब किया है तो भी आप बेल का बटन क्लिक करेंगे तो ही मेरी रेसिपी आप तक पहुँच पाएगी। तो ज़रूर उसे बेल का बटन क्लिक कीजिए और मेरे साथ यही सपोर्ट करते रहिए। और मेरे वीडियो को लाइक भी दीजिए, उन्हें शेयर भी कीजिए। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।